सांझा मुद्दा देख रहे सारे दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी पहुंचे हाँ अदीना नगर, इतिहास की झलक लड़ी के तहत असी तुहानूं वख वख जगह ते वख वख इतिहास तो जाणू करवा रहे हैं। इस वक्त असी तुहानूं लैके आए हैं अदीना नगर, जिथे महाराजा रणजीत सिंह जी ने गर्मियां दे लई राजधानी बनाई हुई सी। अज वो महल खंडर हो चुका है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने यह महल गर्मियां दी राजधानी ही नहीं बनाया होया सी, बल्कि सिख राज दे बहुत सारे अहम फैसले भी इत्थे बैठ के लिया करते सन। गर्मियां नू इस जगह ते बहुत वड्डा राज दरबार लाया करते सन। ईवन ईस्ट इंडिया कंपनी दे उच्च अधिकारी भी महाराजा रणजीत सिंह नू इसे ही महल विच आ के मिले। महाराजा रणजीत सिंह दी शहादत तो पहला सन 1838 गर्मियां दी छुट्टियां महाराजा रणजीत सिंह इसे महल दे विच बतीत करके गए। दीना नगर दे शाही महल विच महाराजा रणजीत सिंह इकल्ले गर्मियां ही नहीं बिताउंदे सन, बल्कि इत्थे शाही दरबार भी लगांदे सन अते देश पंजाब दे बड़े अहम फैसले उन्होंने इत्थे बैठ के ही ले। इस तो इलावा ईस्ट इंडिया कंपनी दे वड्डे अधिकारियां नाल भी उन्हां दी इत्थे ही मुलाकात हुई सी, जिसका इतिहास विच जिक्र भी मिलता है। अंग्रेज़ अफसरां वल्लों सन 1838 जदों दीना नगर विखे महाराजा रणजीत सिंह नाल मुलाकात कीती तां उह सरकार खालसा दे दरबार दी शान देख के हक्के बक्के रह गए। उन्हां अधिकारियां विचों शामिल डबल्यू जी उसबॉर्न ने सरकार खालसा दे दरबार दी शान दा जो अखी डिठा हाल बयानिया, उस नूं डॉक्टर सुखदयाल सिंह ने अपनी किताब विच पंज दरियावां दा शेर महाराजा रणजीत सिंह विच दर्ज कीता है। महाराजा रणजीत सिंह ने जदों ये महल बनाया सी उदों सिख राज जलो ते सी। इस महल दे दुआले बागां दे विच एक शान वक्री दिखाउंदा ये महल, उस वेले दा खालसा निशान दा बहुत उच्चा ते सुच्चा चिन्ह सी। Thank you.
जदों सन 1849 विच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब नूं पूरी तरह अपने कब्जे विच लिया तां अंग्रेज हुकूमत वलों अदीनानगर नूं जिला सदर मुकाम बना के डिप्टी कमिश्नर दा दफ्तर दीनानगर दे इस शाही महल विच बनाया। हालांकि डिप्टी कमिश्नर दा यह दफ्तर थोड़ा चिर ही इत्थे रहा अते कुछ महीनों बाद ही डिप्टी कमिश्नर दफ्तर बटाला दे महाराज शेर सिंह महल विच तब्दील करके बटाला नूं जिला सदर मुकाम बना दिता। आखिर अंग्रेज़ां ने 1 मई 1852 नूं गुरदासपुर नूं जिला घोषित करके इत्थे डिप्टी कमिश्नर दफ्तर बना लिया। भावें दीनानगर दे शाही महल दे डिप्टी कमिश्नर दा दफ्तर कुछ महीनों विच ही बटाला तब्दील हो गया सी, पर इस महल नूं ईस्ट इंडिया कंपनी वल्लों खाली नहीं कीता गया सी। ओह इस शाही महल दा सारा बेशकीमती समान इंग्लैंड लै गए सन। सन 1947 तो बाद भी किसी ने इस शाही महल वल कोई ध्यान ना दिता अते अपनियां दी ही बेरुखी कारण यह शानदार शाही महल खंडर विच तब्दील हो गया। खंडहर बनया यह महल अपने वारसा नूं आवाज़ मार रहा है, पर अफसोस उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। संभालना किते जान सदका कुछ शरारती लोग सरकार खालसा दे शाही महल दिया छत्ता ही ला के लै गए हैं। बिना छत्ता तो खंडहर हो चुके शाही महल विच थां थां पईयां नशे दियां सरिंजां इस गल दा प्रमाण हन किथे हुण नशेड़ियां दा ही बोलबाला है। जिस थड़े उपर महाराजा साहेब अपना शाही तख्त सजा के बैठते सन ओह थड़ा भावें अज भी है, पर एक सरकार बाजों उसका भी की हाल होवेगा इसका अंदाजा सहजे ही लगाया जा सकता है। खालसे राज दा राज बहुत अमीर सी। इस तो नाल लहिंदे पासे जिथे हुण म्यूनिसिपल कारपोरेशन दा दफ्तर है उस जगह ते महाराणियां दे लई महल बनाया होया सी। हर साल लाहौर विखे महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मनाउन जाण वाले सिख
शायद ही कदी दीना नगर दे शाही महल विच आए होन। जेकर आए होंदे तां इस महल दे ए हालात नहीं होने सन। मोया जदों पंजाब दा महाराजा मोई वीरता वीर पंजाबियां दी जिदे नाल वैरी थर थर कंबदे सी, टुट गई शमशीर पंजाबियां दी, उहदे रंग महल विच लहू डुला, लिबड़ गई तस्वीर पंजाबियां दी, तुरिया शेर ते पैरां विच फेर पै गई लत्थी लत्थी जंजीर पंजाबियां दी, ओ किन्नू दसीए किद्दां दुपहर वेले लुट्टी गई अज हीर पंजाबियां दी, कल्ला शेर नहीं चिखा दे विच सड़िया, सड़ गई तकदीर पंजाबियां दी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी परथाई लिखियां उपरोक्त सत्रां बिल्कुल सच हन, अते जेकर किसी ने इन्हां सत्रां दा सच अपनी अखीं देखना होवे तां ओह जिला गुरदासपुर दे शहर दीना नगर विखे शेरे पंजाब दे शाही महल विखे पहुँच के देख सकदा है। ये शाही महल नूं देख के सहज ही महसूस किया जा सकता है कि सचमुच कल्ला शेर चिखा दे विच नहीं सड़िया सी, बल्कि उस नाल पंजाबियां दी तकदीर भी सड़ गई सी। इतफाक नाल अज ये भी ये महल दे दुआले दुआले बाग है, पर इस बाग दे होण दे बावजूद ये महल अंदर अज भी नशे दियां बोतलां सरिंजां ये सब कुछ पईयां हन। नाल ही ये महल ते बाग किसी दी निजी जायदाद बन गए हैं। इस महल दे आले दुआले बागां दे विच कलोनी कट्टी जा रही है। हो सकता है कुछ समय बाद इस महल का नामो निशान खत्म कर दिता जाए। सिख पंथ के आगुआ चाहिए है कि इस महल की सामभ संभाल की जाए ताकि महाराजा रणजीत सिंह की इतिहासिक निशानी सामभी जा सके।